हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैंने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया है फिर से, जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। चलिए पहले चेक करते हैं क्या मंगाया है। जैसा कि आपको पता ही, आजकल कोविड सिचुएशन चल रही है तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही प्रिफर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इस बॉक्स में से सबसे पहले ये स्पीकर बाहर निकाला है। दोस्तों हमने जो ऑर्डर किया था वो JBL लिखा हुआ आ रहा था, इन्फिनिटी JBL, बट इस डब्बे पे कहीं मेंशन नहीं है कि ये JBL कंपनी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब या तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में गलत लिखा है और हमारे पास गलत प्रोडक्ट आ गया है, तो अब हमें इसे रिटर्न में डालना पड़ेगा। तो सॉरी, इसका मैं रिव्यू नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं, बाकी के दो प्रोडक्ट को देखते हैं हम। ये है हमारे पास JBL का हेडफोन। दोस्तों हेडफोन की कैटेगरी में JBL आजकल बड़ी अच्छी कंपनी है, इसलिए मैंने इस बार JBL का हेडफोन ट्राई करने के लिए मंगाया है। देखिए दोस्तों, JBL का ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये सॉफ्ट है, ईयर प्लग जो इसका काफ़ी सॉफ्ट है, और इसे कानों में आप फंसा करके पूरी तरह रोक सकते हैं, जो कि बार बार निकलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। और इसी के साथ हमें ईयर प्लग के ये सॉफ्ट जो टिश्यूज़ हैं, ये हमको एक्स्ट्रा दो पेयर और दिए गए हैं। आपका ये खो जाए तो आप दूसरा निकाल कर डाल सकते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, ये तो रहा JBL का। इसका साउंड कैसा है ये हम आपको सुनने के बाद बताएंगे। दोस्तों जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसका प्राइस 1299 है, लेकिन हमने चूंकि अमेज़ॉन से मंगाया और हमें थोड़ा ऑफ़र में मिला तो ये हमें 699 का मिला, जस्ट हाफ प्राइस आप कह सकते हैं। दूसरा हेडफोन दोस्तों मैंने मंगाया है सैमसंग का ईयरफोन, जो नॉर्मली हम लोग सैमसंग फ़ोन में यूज़ करते हैं। एक्चुअली कभी कभी कोई कोई फ़ोन ऐसा होता है कि जो सपोर्ट नहीं करता है किसी और कंपनी के हेडफोन को, जिसमें कि मेरा फ़ोन ऐसा ही है, वो सपोर्ट नहीं कर पाता है किसी दूसरी कंपनी के फ़ोन को, वो हेडफोन को, तो इसीलिए मैंने एक सैमसंग का हेडफोन भी मंगाया है साथ में। इसमें भी ये सॉफ्टनर है, और इसके साथ दो पेयर ये जो सॉफ्टनर होता है ये दो पेयर और हमें मिला है एक्स्ट्रा। इसका मतलब अगर ये खो जाते हैं किसी कारणवश तो हम ईयर प्लग में ये सॉफ्टनर जो है इसे लगा सकते हैं हम आराम से, और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर ये रहे आज के दो प्रोडक्ट, इनकी साउंड क्वालिटी को अब हम चेक करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम सुन रहे हैं JBL के हेडफोन से म्यूज़िक, तो दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, इसमें साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बेस अच्छा है, और जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छे से आ रहा है, आवाज़ कानों में चुभ नहीं रही। तो आप लंबे समय तक भी अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको ना सर दर्द होगा ना कानों में दर्द होगा। तो आप दोस्तों अब हम लगाते हैं दूसरा वाला हेडफोन जो कि है सैमसंग का। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमने कनेक्ट किया है सैमसंग का हेडफोन जो कि 399 रुपये का। हाँ तो दोस्तों जैसे कि हम सैमसंग के हेडफोन में भी म्यूज़िक सुन रहे हैं, लेकिन दोस्तों जैसे सेम वॉल्यूम पर मैंने चलाया तो मुझे JBL का जो है इसमें आवाज़ बहुत ही क्लियर और थोड़ी अच्छी आ रही है, और जबकि सैमसंग के फ़ोन में बेस उतना क्लियर नहीं है, ना ही हमारा ऑडिबल साउंड उतना क्लियर है जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपको म्यूज़िक और कुछ मूवी देखने के पर्पस से हेडफोन चाहिए तो JBL इज़ बेटर, और अगर थोड़ा सा सिर्फ बातचीत करने और नॉर्मल म्यूज़िक के लिए चाहिए तो रेंज के हिसाब से 399 में सैमसंग का भी ठीक है, बट JBL की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी, म्यूज़िक काफ़ी क्लियर सुनाई देता है। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारे हेडफोन के बारे में, हमने आपको बताया, डिटेल में काफ़ी जानकारी दी, कंपेयर किया सैमसंग और JBL को। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।